Namaskar, Namaste. My name is Dr. Vineet Sehgal. I am consultant neurologist, Amandeep Medicity, Amritsar. आज मैं तुहानू दो पेशेंट्स राही अमनदीप हॉस्पिटल विच जिस उच्चे पद्धर दा जो काम हो रहा है उस बारे जानकारी देना चाहवांगा। पहला केस सानू दसेगा कि असी किन्नी स्विफ्टली और क्विकली डायग्नोसिस तक पहुँच जाते हैं। साढ़े को एक पेशेंट आया सी जिन्हों कंप्लेंट सी बुखार ते सिर दर्द एक महीने तो वो आलरेडी दो तीन हॉस्पिटल विच दाखिल हो चुका सी बट उन्हें कोई रिस्पोंस ट्रीटमेंट का फर्क नहीं पै रहा। साढ़े को पेशेंट शनिवार रात को आया, असी ऐतवार सवेरे ही उहदा सब तो पहले MRI करवाया और उस तो कुछ मिनटों बाद ही असी उहदा CSF प्लैन किया और विद इन फ्यू आवर साढ़े को CSF की साइटोलॉजी रिपोर्ट और ईवन TBPCR की रिपोर्ट जिहड़ी कि पॉजिटिव आ गई विद इन 6 hours विच ही साढ़े को सारी रिपोर्ट्स आ चुकी। ये सब कुछ संडे के दिन में होया, ऐतवार वाले दिन होया। सो असी जरा मरीज का डायग्नोसिस पिछले एक महीने तो नहीं बन रहा है, असी विद इन फ्यू आवर्स ऑफ एडमिशन ही उसका डायग्नोसिस ही बना दिता और उन्होंने ATT स्टार्ट कर दी। ATT मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी स्टार्ट कर दी। सो मैं इस पहले केस राही तुहानू ये दसना चाहवागा कि असी किन्नी स्विफ्टली और क्विकली पेशेंट का डायग्नोसिस बनाने हैं। ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि साढ़े को सारी बैकअप टीम एक रूफ के अंडर ही अवेलेबल है। अंडर वन रूफ साढ़े को MRI CT स्कैन है, अंडर वन रूफ साढ़े को बड़े अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बड़े अच्छे पैथोलॉजिस्ट है जेरे 24/7 काम करते और इवन ऐतवार वाले दिन भी फटाफट काम कर देंगे। बड़े घट होस्पिटल पूरे रीजन के चाहे जे है, इवन पूरे पंजाब के चाहे जे है जेरे TBPCR की रिपोर्ट विद इन फ्यू आवर्स देंगे। साडा होस्पिटल उन्होंने एक होस्पिटल है। सैकेंड पेशेंट राही तुम मैं दसना चाहवागा कि असी इस होस्पिटल बड़े रेयर तो रेयर डायग्नोसिस बनाते और उन्होंने इलाज करते हैं जो कि आम होस्पिटल्स में बहुत मुश्किल होंगे। साढ़े को एक पेशेंट जम्मू तो आया सी जिन्होंने कंप्लेंट सी सवेयर पेन्स लोअर लिम्स प्लस पैरास्थीजिया स्वैटिंग और डिफिकल्टी इन वॉकिंग। वो पिछले 2 महीने तो बेसिकली सो नहीं पाया सीगा पेशेंट। असी उन्होंने विद इन 24 hours ही डायग्नोस बनाता जो कि एक बड़ी रेयर बीमारी सी, दैट इज कॉल्ड एज इजाक सिंड्रोम। असी उसका सेम डे में इलैक्ट्रोफिजोलॉजी ऑफ सेम डे ऑफ एडमिशन में इलैक्ट्रोफिजोलॉजी करवाई, उसकी CT MRI करवाई प्लस सीरोलॉजी रिपोर्ट्स करवाई, CSF रिपोर्ट्स करवाया और असी नतीजे तक पहुंचे कि इन्हें इजाक सिंड्रोम है। फिर असी सब तो पहले उन्होंने स्टीरोड्स दिते जिन्हें उन्होंने फर्क नहीं पाया। फिर असी होस्पिटल के उस तो बाद प्लाज्मा फ्रेसिस 5 sessions दिते अपने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनमीत की हेल्प के नाल, वो जिन्ना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पै गया और वो ठीक हो गया। और बहुत मनो को जरा मरीज 2 महीने बाद नहीं सुता से आफ्टर 10 days ही वॉज फुली नॉर्मल। ये सब कुछ इसलिए अवेलेबल है क्योंकि साढ़े को इतने हर तरह के सुपर स्पैशलिस्ट अवेलेबल है जिसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट भी आते, प्राइमरी मेडिसिन भी आते, कार्डियोलॉजिस्ट भी आते, कैथ लैब साढ़े को अंदर अवेलेबल हैगी है सेम। और उन्होंने नाल साढ़े को बैकअप स्पॉट लिए रेडियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की टीम अवेलेबल है। इस वीडियो राही तुहानू मैं इस शहर वासियों नूं जानकारी देना चाहवागा कि साढ़े को आज की डेट से सब चीज़ा अंडर वन रूफ अवेलेबल है और यह फैसिलिटी तुहाडे हुण शहर दे विच आ चुकी हुई है। बाकी ये टाइम तुहानू पता ही है बड़ा खराब टाइम है कोविड टाइम्स है, बट असी फिर भी सारी मेडिकल सर्विसिज बहुत OPD और इनडोर ओपन रखी हुई है और असी पूरे 24/7 अवेलेबल हैं तुहानू जे कोई मुश्किल आवे। साड़ी जिहड़ी स्टाफ है जां साडा टीम हैगी है पूरी नर्सिंग टीम ये पूरी तरह PPE किट नाल इक्विप्ड है, सफाई का असी पूरा ध्यान रखते हैं। सो बट फिर भी मैं तुम कहूँगा स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर मनमीत सिंह है, मैं MD मेडिसिन DM नेफ्रोलॉजी। इस वेले अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर च मैं हैड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी है। अज जे पेशेंट बारे मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा है ये साडे न्यूरोलॉजिस्ट जिहड़े डॉक्टर विनीत सहगल उन्होंने अंडर एडमिट हुए थे। एक रेयर डायग्नोसिस डॉक्टर साहब ने बनाया सीगा जिहदा नाम है आइजैक सिंड्रोम। पहला पेशेंट को स्टीरॉयड्स मिले थे बट पेशेंट नहीं रिस्पोंड कर रहा है, सो डॉक्टर साहब ने कॉन्टैक्ट किया मेरे दे नाल ते असी प्लान किया कि प्लाज्मा फरीसिस करांगे। प्लाज्मा फरीसिस एक इहो जी प्रोसीजर है जिहदे विच डायलिसिस दी मशीन यूज करके असी मेम्ब्रेन प्लाज्मा फिल्ट्रेशन करके जिहड़े एंटीबॉडीज होंदे हैगे अनाशक पदार्थ एक किस्म दे इस बीमारी दे विच जिहड़े हैगे आ उह कढ के ते उह रिप्लेस करदे हां फ्रैश फ्रोजन प्लाज्मा। सो ये प्रोसीजर जिहड़ा हैगा ये कई बारी न्यूरोलॉजिकल जिहड़ी दिमाग दी इंडिकेशन हुंदियां हैगियां उहदे विच हुंदा जिवें मायसिनिया ग्रेविस LGBS ते कई किडनी दी भी इंडिकेशन हुंदियां हैगियां जिवें माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया SLE दे पेशेंट्स कई इंडिकेशन प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ इंडिकेशन हुंदियां हैगियां।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫੋਲੋ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਲਾਜ਼ਮਾਫਰੀਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਿਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CSF ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਇਨ ਅ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ TLC, DLC, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਈਵਨ PCR ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਏ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਫੋਰ ਅਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਬੀਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣੂਕਾ ਬਜਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24/7 ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਸਰ ਆਲਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਆਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਰ ਹੋਸਪਿਟਲ।